पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मार कर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, उन्हें उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में सुना है? नहीं। वैसे आप में से अधिकतर लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये हिंदुओं की जनसंख्या के बारे में है, या फिर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ये बात कर रहा हूँ। सपोज आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाता है कि हिंदू ग्रोथ रेट निम्नलिखित किन विकल्पों से संबंधित है, धर्म, अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई भी नहीं। अगर ऐसा होता है और ये सवाल आपके पेपर में आ जाता है तो मेरे ख्याल से 99% लोग आप में से यही जवाब देंगे कि ये हिंदुओं की जनसंख्या के बारे में है, या ये हिंदू धर्म के जितने भी लोग और जितनी भी आबादी है उन्हीं की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में है। बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि ये हिंदुओं की जनसंख्या का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। वैसे अधिकतर लोगों के लिए ये एक शॉकिंग सी बात होगी, आश्चर्यजनक होगा कि हिंदू ग्रोथ रेट भारत की अर्थव्यवस्था से कैसे संबंधित हो सकता है। बहरहाल हम यही जानेंगे अपनी इस वीडियो में कि हिंदू ग्रोथ रेट से भारत की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, आखिर ये भारत की इकोनॉमिक टर्म में कैसे आता है। दरअसल दोस्तों, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का अभी हाल ही में बयान आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा देश बहुत तेज़ी से खतरनाक हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है। खैर दोस्तों, मैं ये बात आपको समझाने के लिए अपने भारत देश के इतिहास के बारे में बात कर लेता हूँ। जी हाँ, सन 1947 से पहले हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उसके बाद सन 1857 से 1947 तक हमने आज़ादी हासिल की। इनफैक्ट कई और ऐसे देश थे जिन्होंने तकरीबन भारत के साथ ही आज़ादी हासिल की है। बहरहाल दोस्तों, हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें लूटा था, हमारे यहाँ भुखमरी बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी, देश में लोगों की हालत बहुत खस्ता हो गई थी, हमारी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमारे देश की कुल GDP एवरेज ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% था। जी हाँ, हमारे देश की कुल GDP एवरेज ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% पर था। वहीं दूसरी तरफ कुछ एशियन देश ऐसे भी थे जो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे थे, जिनकी GDP एवरेज ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था। जैसे इंडोनेशिया का ग्रोथ रेट 6% था, थाईलैंड का 7% था और ताइवान का 8% था, जबकि एक तरफ साउथ कोरिया का 9% ग्रोथ रेट था। ऐसे में हमारे देश की GDP और एवरेज ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5-3.5% था। 1950 से लेकर 1980 तक हमारे देश की कुल GDP तकरीबन 4% तक ही रही है। यही देखकर देश के एक इकोनॉमिक प्रोफेसर ने कहा कि ये तो इंडिया का हिंदू ग्रोथ रेट है। मतलब 1950 से लेकर 1980 तक जो हमारे देश की कुल GDP एवरेज ग्रोथ रेट 4% तक रहा है, उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया है। जी हाँ, राजकृष्णा इकोनॉमिक प्रोफेसर ने कहा कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। दोस्तों, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या हिंदुओं की है। जी हाँ, हमारे देश में अधिकतर हिंदुओं की जनसंख्या है। बहरहाल इससे आपने जान ही लिया होगा कि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी बात यह है कि अभी हाल ही में रघुराम राजन, जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया कि भारत बहुत तेज़ी से खतरनाक हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है, यानी हमें फिर से GDP और एवरेज ग्रोथ रेट 4% देखने को मिल सकता है। खैर, मैं आपको बताता हूँ आखिर RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने क्या कुछ हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में कहा है, क्या कुछ आने वाली सालों के बारे में कहा है। इनका कहना है कि देश के हालिया GDP नंबर से हमें साफ साफ धीमी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। RBI ने इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 4.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। ये हमारे पुराने हिंदू ग्रोथ रेट से बहुत करीब है, हमें और बेहतर करना चाहिए। जी हाँ, RBI के पूर्व गवर्नर का कहना है कि जो वर्तमान में GDP की दरें हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर से हमें हिंदू ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, देश की GDP और देश की उन्नति को लेकर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, ऐसी हालत आ चुकी है
कि हमारे देश के गरीब लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। Meanwhile, it added that the poor in India are unable to afford even basic necessities to survive. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में ऐसी हालत आ चुकी है कि हमारे देश के गरीब लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत अफसोस होता है कि कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो सरकार से किसी भी हाल में सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं हैं। और बड़े ही दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि देश की मीडिया इस तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए या डिबेट करने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। कुछ अंधभक्त तो ऐसे हैं जो कहते हैं चाहे पेट्रोल 25,000 रुपये लीटर हो जाए लेकिन फिर भी हम सरकार को सपोर्ट करेंगे और सरकार से सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। दरअसल एक मरतबा मैं ट्विटर स्पेस में गया, वहाँ पर कुछ लोग अंधभक्त थे, वहाँ पर कुछ अंधभक्तों की टोली थी और वो ये बात कर रहे थे कि चाहे देश में पेट्रोल 25,000 रुपये लीटर हो जाए फिर भी हमें सरकार से सवाल नहीं पूछना है। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे कि वो ये किस वजह से कह रहे थे, क्यों कह रहे थे। समझ रहे हो ना। चाहे भूख से मरने वाले गरीब लोगों की संख्या और बढ़ जाए, चाहे बदहाल किसानों के सुसाइड रेट और बढ़ जाए, चाहे बेरोजगारी और फैल जाए, यहाँ तक कि जो कुछ देश में बचा हुआ है वो भी बिक जाए, अरे कहना क्या चाहते हो, पर कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। दिल्ली में डीजल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। Well, the rupee has been sliding for some time. It's lost 8% रुपए में इस गिरावट के अलग अलग सेक्टर्स पर। रामदेव भी कहा करते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अहम बैठक करेंगे। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम है। डीजल का दाम बढ़ने से जितना हमारा ढुलाई का सामान है, ट्रांसपोर्टिंग का किराया बढ़ते जा रहा है। पिछले 21 महीने में महंगाई सबसे ऊपर है। ऐसे में आम आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा कि घर का खर्च चले तो चले कैसे। रुपया बना रहा है गिरावट के नए रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले 72 का आंकड़ा पार किया। देश में 3,10,00,000 से ज्यादा युवा हैं बेरोजगार और ये आंकड़े तो हुए केवल औपचारिक क्षेत्र के ही। करीब करीब 80-90% देश की जनता आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है जिनकी बेरोजगारी का कोई हिसाब नहीं। तेल के दाम हर रोज छू रहे नई ऊंचाइयां, दिल्ली में 80 रुपए से ज्यादा, मुंबई में 87.4, जयपुर में 82.9 और भोपाल में 85.8। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज बरोज की जरूरियात के लिए खरीदे गए उत्पाद और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत में औसत परिवर्तन है। ये सूचकांक में बढ़ोतरी का मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग या निर्वाह लागत में बढ़ोतरी, और मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से ये सूचकांक लगातार बढ़ रहा है जो कि बढ़ती महंगाई का प्रतीक है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इस तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहले आ सके। फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।